मेरे दोस्त अभी हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं, तो हर किसी को स्मार्टफोन की जरूरत होती है मेरे दोस्त, और सब लोग चाहते हैं कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस का हम लोग आराम से फोन को यूज करें। मोस्टली उस टाइम मेरे दोस्त जब हम लोग कोई इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं, अगर उस टाइम आपको कोई कॉल करके बार 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 परेशान करे तो आप लोग इरिटेट हो जाते हो मेरे दोस्त। तो क्या आप लोग को पता है कि हम लोग फ्लाइट मोड में करके भी आराम से इंटरनेट यूज कर सकते हैं और किसी का कॉल भी नहीं आएगा मेरे दोस्त। शायद ये मेरा बात सुन के आप लोग को हंसी आ रहा होगा, लेकिन मेरे भाई मैं आपको साइड स्क्रीन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो आप लोग देखें, सीखें और इसे अप्लाई करें मेरे भाई। तो मेरे दोस्त फ्लाइट मोड में करने से पहले आप लोग को सबसे पहले कॉल सेटिंग करना है। कॉल सेटिंग में जाके आप लोग को कॉल फॉरवर्डिंग कर देना है। मेरे दोस्त क्या चाहते हो, वॉइस वीडियो जो करना चाहते हो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो किसी और दूसरे नंबर पे। कॉल सेटिंग करने के बाद मेरे दोस्त उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो अभी मेरा जो सिम कार्ड है वो अभी ऑन है, तो अभी मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी देख सकते हो कि अभी तो नेट उठ नॉर्मली जैसे चलता है वो चल रहा है मेरे दोस्त, लेकिन अब मैं इसे फ्लाइट मोड करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे करना है और इसको इसे सबसे पहले फ्लाइट मोड में डाल देना है मेरे दोस्त। जैसे ही आप फ्लाइट मोड में डालोगे उसके बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग ऑप्शन जैसे ही ओपन होगा मेरे दोस्त आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद आप लोग को स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये MI का फोन है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी अदर फोन में दोस्त आप लोग सर्च करना इंटरनल स्टोरेज कहाँ है। तो यहाँ पे ऑल स्पेस पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हो इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को 5 times कंटिन्यू प्रेस करना है। जैसे ही आप लोग 5 times प्रेस करोगे मेरे दोस्त आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा टेस्टिंग का। पॉपअप खुल के आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे 2 options देखोगे, फोन इन्फॉर्मेशन 1 और 2। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त की सिम स्लॉट 1 या फिर सिम स्लॉट 2। आप यहां पे एज ए डिजायर सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन सा स्लॉट का सिम को फ्लाइट मोड में ऑन करके उसका नेट यूज करना चाहते हो। तो मैं दोस्त स्लॉट 2 को सिलेक्ट करता हूं। जैसे स्लॉट 2 का सिलेक्ट करेंगे फोन इन्फॉर्मेशन यहां पे आ जाएगा। स्क्रॉल कर नीचे आना मेरे दोस्त, अभी देख सकते हो यहां पे एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा मोबाइल रेडियो पावर, इसको मेरे दोस्त ऑन कर लेना है। 1-2 बार करना है इसको, ये ऑन हो जाएगा मेरे दोस्त। यहां पे जैसे ही मेरे दोस्त ऑन करोगे आप यहां देख सकते हो KB स्टार्ट हो गया, मतलब कि मेरा नेट एक्टिव हो गया मेरे दोस्त। अब मैं आपको कोई भी ब्राउजर यूज करके दिखाता हूं मेरे दोस्त। तो यहां देख सकते हो मेरे दोस्त की नॉर्मली जैसे सिम ऑन होने पे कोई भी ब्राउजर हम यूज कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हो, आपके सामने मैं लाइव प्रूफ दिखा दे रहा हूं कि यहां पे नॉर्मली एकदम वर्क कर रहा है, जैसे सिम जब ऑन रहता है उस टाइप से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा मेरे दोस्त। तो आप लोग भी इस ट्रिक को आजमा सकते हो। आपको मैं गूगल भी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हो मेरे दोस्त। तो गूगल में आने के बाद मैं कुछ सर्च करता हूँ, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हो मैं इंडियन आर्मी का वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ, इसके बाद टाइप करने के बाद मैं इसे सर्च करता हूँ। तो देख रहे हो ये बड़े प्यार से काम कर रहा है मेरे दोस्त। दोबारा मेरे दोस्त पहले की मोड में लाने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके इसे नीचे करना है और इसको क्या करना है फ्लाइट मोड को जो ये ऑन कर रखे हो इसे ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ करोगे मेरे दोस्त यहाँ देख सकते हो आपका सिग्नल भी आ गया और डाटा तो चल नहीं रहा। और मेरे दोस्त कॉल सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को जो कॉल फॉरवर्ड करी थी जिस नंबर पे वो नंबर डिलीट कर देना है, फिर एज नॉर्मली आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आप लोग इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए मेरे दोस्त अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें।